नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव खेरा। आप देख रहे हैं टेक दिस वीक, जहां हम आपको देश और दुनिया की टेक्नोलॉजी न्यूज से रूबरू कराते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस हफ्ते क्या हुआ खास टेक्नोलॉजी की दुनिया में। तो आखिरकार सैमसंग नोट 7 इंडिया में लॉन्च हो ही गया। इस फोन में मिलेगा आयरिस स्कैनर, यूएसबी टाइप सी, नया एस पेन और ये फोन S7 और S7H की तरह वाटरप्रूफ भी है। स्पेक्स वाइज ये फोन काफी स्ट्रांग है और इस फोन की कीमत है 59,900 रुपए। सैमसंग के इस इवेंट में कुछ नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च हुए, जैसे कि सैमसंग का गेयर फिट 2 फिटनेस ट्रैकर विथ हार्ट रेट सेंसर, जिसकी कीमत है 13,990 रुपए। सैमसंग गेयर आइकन एक्स भी लॉन्च हुआ, जो कि एक वायरलेस ईयरबड है विथ फिटनेस ट्रैकिंग कैपेबिलिटीज, इसकी कीमत है 13,490 रुपए। और नया VR विथ टाइप सी USB भी लॉन्च हुआ, जिसकी कीमत है 7,290 रुपए। Coolpad ने एक बार फिर से अपना बजट फोन भारतीय बाजार में उतार दिया है। इस फोन का नाम है Coolpad मेगा 2.5D। इस फोन में मिलेगा 5.5 इंच का HD डिस्प्ले, 8 मेगापिक्सल रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा और 3GB की रैम, और इसकी कीमत है सिर्फ 6,999 रुपए। टाइटन ने अपनी स्मार्ट वॉच रेंज को बढ़ाते हुए अपनी एक और स्मार्ट वॉच भारत में लॉन्च कर दी, जिसका नाम है जक्स प्रो। ये वॉच फुल टच स्क्रीन वॉच है। इससे आप स्टेप्स काउंट कर सकते हैं, कैलोरी काउंट कर सकते हैं और डेली एक्टिविटीज पर भी ट्रैक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसमें अपनी फोन की नोटिफिकेशंस भी देख पाएंगे और इस वॉच की कीमत है 22,990 रुपए। कोडैक कंपनी ने अपनी वापसी कर ली है, पर इस बार कैमरा नहीं बल्कि टेलीविजन से। कोडैक ने अपने 5 नए टेलीविजन लॉन्च किए हैं, 32 इंच, 40 इंच और 50 इंच। हालांकि कंपनी ने इनकी प्राइसिंग के बारे में अभी कुछ नहीं बोला, पर कंपनी का कहना है कि इसकी कीमत होगी 13,500 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक। इसके अलावा माइक्रोमैक्स ने भी अपने 3 नए टेलीविजन लॉन्च किए, यानी कैनवस 32 इंच, 40 इंच और 50 इंच। ये कंपनी के पहले एंड्रॉयड बेस्ड टेलीविजन है और इनकी कीमत है 19,000 रुपये से लेकर 42,999 रुपये तक। Xiaomi फोन्स के अलावा कई सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में लॉन्च करने वाला है। इसी के चलते Xiaomi ने अनाउंस किया है कि वो बहुत जल्द इंडिया में Xiaomi Mi एयर प्योरीफायर 2 लॉन्च करेगा और इस एयर प्योरीफायर की कीमत होगी लगभग 7,000 रुपये। Mediatek ने अनाउंस कर दिया है कि वो बहुत जल्द Helio X30 लॉन्च करेगा और वो भी डेकाकोर प्रोसेसर ही होगा। यही नहीं, इस प्रोसेसर का साइज है 10 नैनोमीटर, जो कि एक बार फिर से अब तक का सबसे छोटा प्रोसेसर होगा। तो ये था इस हफ्ते का टेक बस। मुझे पूरा यकीन है कि आप भी देश और दुनिया की टेक्नोलॉजी न्यूज से वाकिफ हो गए होंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।